हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिट्स एंड बाइट्स एंड अनदर व्लॉग। आज इस व्लॉग में हम लोग बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज। अभी फ्रेंच फ्राइज तो आप सबने लॉकडाउन में बहुत सारे बनाए होंगे, तो मेरे साथ फिर से एक बार बनाओ। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लास्ट तक देखिए, और पसंद आया तो लाइक कीजिए और पूरे सब अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैंने बहुत सारी यूट्यूब रेसिपीज़ देखी हुई है, हिंदी मराठी, तो उन सब में से मुझे जो पसंद आई है उसमें से मैं लेके फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अभी मीडियम साइज़ आलू लिए हुए हैं, उसको मैंने पील ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अगर आपको बड़े वाले मिल सकते हैं लॉकडाउन के सीज़न में तो आप ले सकते हैं, मुझे जो अवेलेबल मिले उनसे मैं बना रही हूँ। सो अभी फर्स्ट स्टेप, उसको प्रॉपर तरीके से कट कर। अभी ये पूरा काट के तैयार हो चुका है, तो इसको हमें 3 बार वॉश करना है पानी बदल बदल के, क्योंकि इसमें से जो स्टार्च है वो पूरी तरह निकल जाना चाहिए, इसीलिए हम लोग इसे वॉश करते हैं। अभी हम लोग इसको वॉश करेंगे। इसको ऐसे ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, क्योंकि ये कुछ कुछ जो छोटे छोटे होते हैं वो टूट सकते हैं, तो इसको तो ये देखो इसमें से जो ये वाइट और येलोइश वाटर है वो हमको निकालना है, जिसमें से इसका जो स्टार्च है वो कम्प्लीटली निकल जाए। अभी इसको 3 बार वॉश करने के बाद आपको लगेगा कि इसमें से पूरा स्टार्च निकल चुका है, पर ऐसा नहीं है, इसलिए हमको इसको 2 बार पानी बदल के बॉईल करना है। एक बार करना है और उसको प्रॉपर बॉयल भी नहीं करना है, जब तक उसके ऊपर वो झाग जमा होता है तो गैस बंद करना है, पानी फेंक देना है और फिर पानी बदल के फिर से सेम स्टेप फॉलो करनी है। सो लेट्स गो। अभी धोने के बाद मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। जितना धोने के लिए पानी इस्तेमाल किया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया हुआ है, और ये स्टेप में हम लोग सिर्फ उसको उबालेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम लोग थोड़ा सा नमक डालेंगे। अभी इसको बॉईल करने के बाद इस पर ये झाग आ चुका है, तो अभी हम लोग इसको गैस को बंद कर देते हैं और इसका पानी चेंज करना पड़ेगा। अभी सेकेंड टाइम हमने डाला है, तो हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। सेम इसको झाग हुआ है तो गैस बंद कर देंगे। इसको पानी से अभी निकाल चुके हो तो इसको भी हम सुखाएंगे। एक कॉटन का क्लॉथ लेके उसके ऊपर से सूखने को रख देना है। इसको 1 से 1.5 घंटे तक ऐसे सूखने को रख देना है।
अगर आपको जल्दी सुखाना है तो फैन के नीचे रख सकते हैं, पर 1 से 1.5 घंटे में इससे पूरा मॉइस्चर निकल जाना चाहिए। देखते हैं अगले स्टेप में क्या है। ये फ्राइज़ को जब सुखाने के बाद 4 से 5 घंटे हमने फ्रीज में रखा था, फ्रीज़र में भी आप लोग रख सकते हैं। और अभी फ्रीज़र से निकाला है, देखो कितने कड़क हो चुके हैं वो। इसको 15 मिनट ऐसे ही बाहर रखते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए, और इसके बाद हम लोग उसको फ्राई करेंगे। ये फ्रेंच फ्राइज बन के तैयार है। जितनी भी मैंने यूट्यूब की रेसिपीज देखी है, ये थम्स अप है। इस पे इसके ऊपर आप नमक या फिर लाल मिर्ची पाउडर, पेरी पेरी मसाला, ओरिगानो, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला कुछ भी डाल के खा सकते हैं। अगर आपने ये ट्राई किया होगा तो इसके स्नैप्स निकाल के मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी बोलिए करने के लिए। इस वीडियो को पसंद करते तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।